हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ई एंटी को स्वागत। चलिए आज एक वन प्लस सिक्स है जो कि पेस्टेड डुअल डेकर आईसी है, उसको किस तरह सर्वाइवल करते हैं तो इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले आप मार्क कर लीजिए उसका नोज पॉइंट एंड चारों तरफ जो कंपोनेंट्स है, उसको आप फोटो उतार लीजिए, नहीं तो आप टेस्ट करके रख लीजिए उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना ओम्स का है, सब आप एक नोट बना के रख लीजिए, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद आपको राम को निकालना है, उसको चारों तरफ का ग्लू आपको पहले कट करना है क्योंकि वो कंपोनेंट उसके साथ निकल ना जाए, इसलिए आपको ग्लू को पहले कट करना है। उसके बाद राम को निकालना है, उसके बाद सीपीयू को हमको अच्छी तरह से उसको साफ करके, उसका ग्लू जो है वो ग्लू को साफ करके आपको रिवॉल्व करना है। जब आप सीपीयू काम करते हो तो अच्छा टूल्स का यूज करना ज़रूरी है, टूल ही आपका जो है वो सक्सेस ला सकता है, बहुत मायने रखता है टूल्स। अच्छा फ्लक्स, अच्छा स्क्रैपर, अच्छा ब्लोयर आपको 2008 क्विक 2008 होने से भी अच्छा है, उसमें 350 का जो हीट है और एयर जो है 100 रख के आप उसको अच्छे से आप काम कर सकते हो। डी सोल्टरिंग वायर भी आपको अच्छा होना ज़रूरी है और आपका जो आयरन है वो भी अच्छा होना ज़रूरी है। जो चीज़ आप टूल से यूज करोगे वही हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद आता है आपका क्लीनिंग प्रोसेस। आप जिस तरह से क्लीनिंग करोगे उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा। मेन होता है ग्लू का क्लीनिंग करना। आईसी जहाँ बैठता है उसको चारों तरफ आपका अच्छे से क्लीनिंग होना ज़रूरी है। नीचे का जो ग्लूज है वो कहीं पर रहना नहीं चाहिए, चारों तरफ अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है क्योंकि ग्लू अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो आईसी सही तरह से बैठेगा नहीं। आप जितना बार बैठाओगे भी वो आपको सक्सेस नहीं देगा। उसके बाद होता है चारों तरफ का कंपोनेंट, सीपीयू के चारों तरफ का कंपोनेंट्स। अगर आपका कोई कैपेसिटर अगर मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन कोई रेजिस्टेंस मिस हो जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा क्योंकि आप पहले से अगर उसको नोट करके नहीं रखे रहोगे, आपको दूसरा आपका मदरबोर्ड आपको चाहिए होगा क्योंकि वहाँ कितना ओम्स का रजिस्टर लगा था वो आपको वहाँ से ढूंढना पड़ेगा। देखिए अभी हम सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे, हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो ओके हो चुका है, अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो चुका है और रिबल भी अच्छे से हो चुका है। देखिए अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। सीपीयू के ऊपर एक तो मार्क है, देखिए ऊपर में एक मार्क है, वो मार्क जो है वो आपका राम का नोच पॉइंट है। ऊपर उसके अंदर में जो है एक त्रिभुज का मार्क है, आप मार्क कर लीजिए वो मार्क आपका उस आप जो राम बैठाएंगे राम का जो ऊपर का जो मार्क होगा वो उसका नोच पॉइंट वही हिसाब से वही उसी कोने में आपका उस राम का नोच पॉइंट रहना। जो देखिए अभी देखिए उसको ऊपर का जो नोच पॉइंट है उसी तरफ आपका ये उसको रख के इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इससे पहले आप कंपोनेंट को बारी बारी से देख लीजिए, उसको नोट करके पहले से रख लीजिए, आप खाते में आपको पहले से रख लीजिए क्योंकि हर मॉडल का तो स्कीमेटिक मिलता नहीं है ना, तो आपको ये काम करना ही होगा। कोई कोई रजिस्टर वहाँ पे सीरीज में कनेक्शन रहता है, कोई कोई रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन रहता है। पैरेलल कनेक्शन तो भाई वन एनेबल का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, वहाँ पे होना ज़रूरी है। आपको अगर सीरीज काला कंपोनेंट्स आपको वहाँ पे 1K के अंदर या फिर 10K के अंदर रजिस्टर होता है, कभी कभी 250 200 ओम का रजिस्टर भी आपका ग्राउंड में भी लगा रहता है, तो वहाँ पे वो वाला चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। वो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस के ऊपर और
अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है, और जो फ्लक्स यूज करना है आपको अच्छा फ्लक्स यूज करना है, और जो टूल्स यूज करना है वो अच्छा टूल्स यूज करना है। देखिए हमारा ये डुअल रेकर का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है, और अभी हम फिटिंग करके उसको चेक करेंगे। देखिए हम लोग अभी जब इसको चार्ज में लगाए तो यहाँ पे 1.6 एम्पियर जो वो ले लिया है, अभी वाइब्रेशन होके वो ऑन हो चुका है, लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले से प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्प्ले उसका नहीं आ रहा है। तो हम लोग अभी चेक किए कि यहाँ पे जो कनेक्टर है उसका डिस्प्ले का वहाँ पे कुछ इशू था, वहाँ पे जॉइंटिंग हमको मिला था, उसको हम लोग सही तरह से और इंस्टॉल करेंगे, वो जो कनेक्टर है उसको अच्छे से उसको बैठाएंगे। देखिए वो भी प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो कनेक्टर है, कोई भी कनेक्टर हो, डिस्प्ले कनेक्टर हो या फिर पत्ता का जो कनेक्टर हो, वो उसको आप कैसे उसको रिप्लेस करोगे। देखिए इस तरह से आप पहले फ्लक्स लगा के उसमें हीट लगाओगे तो वो जलने वाला नहीं है। देखिए इस तरह से उसको आप निकाल दोगे। देखिए पहले ये कनेक्टर को पहले आप देखो इस तरह से निकाल के उसको अच्छे से वॉश करके फिर से वापस जो फ्लक्स है उसको लगा के और पीपीडी थोड़ा लगा के उसको थोड़ा फिर से टिनिंग कर दोगे, और जो है जो कनेक्टर है फिर से वो वापस आप वहाँ से उसको लगा सकते हो। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस है यही वाला प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस है। ये डिस्प्ले का कनेक्टर या फिर कोई भी पत्ता का कनेक्टर हो आप इसको अच्छे से बना सकते हो। देखिए पीपीडी जो है वो आप 183 रखोगे और एआर को 100 और आप हीट को आप 350 तक आप रख सकते हो, ये जलने वाला नहीं है। ये आप अच्छा एसएमडी यूज करो, 2008 या फिर 857 वो अच्छा है, आप सबसे तो अच्छा है 861 DW। देखिए यहाँ पे तो हमारा जो कनेक्टर है वो सही तरह बैठ चुका है, अभी इसको वॉश करेंगे थोड़ा, और अभी बॉडी में फिटिंग करके अभी चेकिंग करेंगे कि इसका जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग चार्जर लगा के अभी देखेंगे। देखिए अब हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, अभी जो मोबाइल फ़ोन है वो पूरी तरह ऑन हो चुका है। इस वीडियो में आपको देखने को मिला कि डुअल रेकर को किस तरह से अच्छे से रिवॉल करते हैं, और ये जो कनेक्टर है उसको भी कैसे अच्छे से सही किया जाता है, कैसे रिप्लेस भी किया जाता है, और किस तरह से जो कनेक्टर है वो दोबारा उसको कैसे लगाते हैं, सही प्रोसेस जो है इसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिला। अगर कोई बंदा चाहे ज्वाइनिंग करने के लिए हमारे पास आके काम सीखने के लिए, तो काम सीख सकता है, हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिया गया है, वो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके हमको आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले वीडियो में दूसरा एक टॉपिक को लेकर आएंगे।